हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना पैराडाइज। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रचना पैराडाइज में। और मेरा ये रूप देख के आप सोच लेंगे कि अरे होली तो अभी बहुत दूर है, मतलब इस ईयर की तो हो चुकी है, नेक्स्ट ईयर की है। तो गाइस, ये होली का रंग नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हमने भी अपने घर पर गणपति जी बिठाए थे, तो आज उनका विसर्जन हुआ है। वो पापा चले गए हैं हमें छोड़कर इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे। तो विसर्जन के बाद सबको पता ही होगा कि गुलाल उड़ाते हैं, तो एक दूसरे को लगाते हैं, उड़ाते हैं। तो वही विसर्जन हमने किया था, अपने घर पे ही किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, क्योंकि कोरोना की वजह से इस बार विसर्जन करना बाहर पब्लिक प्लेस में बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है समझ लीजिए। तो मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, कितना रिकॉर्ड कर पाई, जितना पता नहीं कितना कर पाई मैं, जितना ही मैं कर पाई उतना है। अभी आपको मैं क्लिप आगे ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर चलती हूँ, मिलूँगी बाद में आपसे, आप पहले वो क्लिप देख लीजिए, ठीक है, बाय। फ्रेंड्स, अब हमारे गणपति जी का विसर्जन का समय आ चुका है और हम सब लोग गणपति बप्पा मोरिया की जय जयकार कर रहे हैं कि गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस की जल्दी आ। हम सभी लोग बहुत ही ज़ोर शोर से, और ये रहे भगवान का, ये रहे पकवान कुछ भगवान के भोग के लिए। ज़्यादा तो मैं नहीं बना पाई, और फिर भी कुछ 5-6 आइटम बना लिए थे मैंने, और 2-3 दीदी घर से लेकर आई थी, गौरी की मम्मी, और बाकी जो रेडीमेड था कुछ वो भी हमने भोग के लिए रख दिया था। तो ये आप देख सकते हैं, और उम्मीद करती हूँ भगवान को बहुत पसंद आया होगा। मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मोरया। तो अब मेरे हस्बैंड विसर्जन कर रहे हैं गणपति जी का, मतलब गणपति जी का, जो गणपति जी और पूरा शिव परिवार का। तो ये एक हमने नया टब लिया है, और उसमें ही हमने गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, गंगा जल, सिंदूर, मतलब जो पूजा का सिंदूर होता है ना वो, और रोली, और केसर, एक जो होता है मतलब केसर तिलक जो लगाते हैं वो, थोड़ा गुलाल, ये सब मिक्स कर दिया है और इसी में विसर्जित कर दिया है भगवान जी को। क्योंकि और कहीं तो बाहर करने जा नहीं सकते थे, इसलिए हमने मिट्टी के गणेश ही लिए थे इस बार, और सब उनकी जय कर रहे हैं हम सब लोग। और जैसे कि मतलब कि पावन नदी में करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर विसर्जन किया है। गंगा जल भी इसलिए डाला है कि मतलब कि ये लगे कि हाँ नदी में कर रहे हैं। वैसे तो विसर्जन नदी में या ऐसे ही बहते हुए जल में किया जाता है, बट सिचुएशन के हिसाब से हमने यहीं पर कर दिया। बहुत से लोग करते हैं ऐसा, और आप देखिए क्योंकि मिट्टी के बने हुए हैं तो कुछ ही देर में ना इनका मतलब ये क्या बोलेंगे, डिसॉल्व होना शुरू हो गए थे, और हम सब यहीं बैठ गए थे। कहते ये थोड़े थोड़े बुलबुले ऊपर आ रहे हैं, ये शिव जी और पार्वती जी हैं, और हमारे गन्नू बाबा छोटे से ना तो पानी में डूब गए हैं, और हम सब यहीं बैठ गए हैं और बस इसको देख रहे हैं। और दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। दुख इस बात का कि इतने दिन से जो गन्नू जी हमारे साथ थे, गणपति महाराज, शिव परिवार, वो जगह खाली हो गई है। तो बहुत ही अजीब सुना लग रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। डेली का रूटीन था, पूजा करो, भोग लगाओ सुबह शाम। और बट खुशी इस बात की है कि अगली बार जब आएंगे तो होपफुली हमारे जीवन में जो कमी है वो सब पूरी हो जाए, और कई नए सदस्य हमारे घर में जुड़ जाएं, और यू नो सब पूरा परिवार भरा पूरा हो। तो यही प्रार्थना है, और इसी विश्वास के साथ तो मतलब हम खुशी मना रहे हैं। और इनके जाने का दुख तो है ही, बट फिर कोई नहीं, अगले साल फिर से आएंगे और हम और धूमधाम से और अच्छे से इनको इनका स्वागत करेंगे। और देखिए आप धीरे धीरे डिसॉल्व होते जा रहे हैं पानी के बुलबुले। तो हमारे यहाँ ना गैस क्या होता है, ये जो मिट्टी से ही बनी है मूर्ति भगवान जी की, तो जब ये डिसॉल्व हो जाएगी ना तो उसी मिट्टी को हम लेकर जाएंगे और तब हम उसकी आरती करेंगे, और मिट्टी को वहीं पर रखेंगे जहाँ पर गणपति जी को बैठाया था हमने। आई डोंट नो किसी और के घर में रिवाज होता है या नहीं, बट हमारे यहाँ होता है, और फिर उस मिट्टी की ही हम आरती करेंगे। मैंने देखा है कई जगह आरती पहले हो जाती है फिर विसर्जन होता है, बट मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरे ससुराल में ऐसा ही होता है। ये मेरा पहला चांस है कि मैं गणपति जी बिठा रही हूँ, उससे पहले मेरी मतलब मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ वो लोग ही करते थे, तो मुझे इतना पता नहीं था। एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है कि मेरे घर में गणपति जी विराजे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो ही गए हैं वो, और ये पल ना बहुत दुख हम लोग को सबको हुआ कि अरे अभी भी मूर्ति दिख रही थी, अब नहीं दिख रही है। बट ये देखिए मिट्टी रूप में हो गए हैं, जैसे कि मिट्टी से बने थे और मिट्टी में मिल गए, ऐसा ही ये मूर्ति भी मिट्टी से बनी थी और वापस मिट्टी स्वरूप में हो गई है। और अब मेरे हस्बैंड इसी में से थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और उसको ले जाके उसी जगह पे रखेंगे। ये देखिए जैसे ही वो पूरा एक साथ गिरी ना मिट्टी की प्रतिमा, तो पूरा मतलब एकदम से वो फ्लैश हुआ, और सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने मोबाइल से, और
मेरी जो दीदी अनीता क्रिएशन जिनका चैनल है वो भी आई थी, तो वो भी खूब ज़ोर ज़ोर से जय गणपति बप्पा गणपति बप्पा मौर्या हम सब मतलब वो भी गा रही थी, भगवान जी को याद कर रही थी, तो वो भी रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि उनको भी कुछ क्लिप्स चाहिए थी। तो हो सकता है कि आपको भी उनके भी चैनल पे कुछ देखने को मिल जाए ऐसा, और भगवान तो सबके होते हैं इसलिए अगर कुछ सेम भी रहा तो प्लीज़ डोंट माइंड ना। और बस और ये सब डालने के बाद ना ये काफ़ी सुंदर दिख रहा था टब में, मतलब जो भी कलर है, और टब भी हमने रेड कलर का ही लिया था क्योंकि पूजा के काम में ना रेड और थोड़ा ब्राइट ऐसे ही कलर खासतौर पर रेड अच्छा लगता है। हम लोग में यही मानते हैं कि पूजा का है तो रेड या फिर येलो या कहीं कहीं पे ग्रीन भी होता है तीज वगैरह के पूजा में, ये सब कलर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ये सब कलर ही यूज़ किए जाते हैं, प्रायोरिटी यही रहती है। तो और भोग में मैंने बनाया था, मैंने आपको पहले क्लिप में देखा आपने, मटर पुलाव था, पूड़ी थी, कचौड़ी थी, मतलब कसूरी मेथी की पूड़ी थी, कचौड़ी नहीं थी, बूंदी का रायता था, आलू मटर और पनीर की सब्ज़ी थी, और सॉरी पनीर नहीं मखाने की रियली सॉरी, और एक फ्राई आलू थे, और खीर थी, और बाकी रसमलाई थी, बाकी जो रेडीमेड बाहर के आइटम कुछ मेवे थे जिसमें किशमिश और अखरोट था, और भी कुछ ऐसे बिस्किट वगैरह भी रख दिए थे हमने भोग में बांटने के लिए कि मतलब 56 भोग तो नहीं बट जितने ज़्यादा भोग हो जाए उतना अच्छा प्रसाद जितना। फिर हमने जो भी हमारे नियर बाई हैं सबको मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था क्योंकि प्रसाद बना के सिर्फ खा लेना वो सही नहीं होता है, प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी होता है, और कई जगह पर आज के दिन वो लोग भंडारा भी करते हैं अपनी श्रद्धा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और लॉकडाउन की वजह से तो इतना ही हो पाया तो हमने इतना ही किया। और उम्मीद करते हैं कि अगली बार बप्पा सब कुछ और अच्छा करेंगे तो हम और अच्छे से उनकी उनका स्वागत और उनका विसर्जन करेंगे, और देखते हैं पूरा एक साल बाकी है उसके लिए, तो फिलहाल तो अब आज का दिन है और बस, और ये सब हो जाएगा उसके बाद हम लोग भोग ग्रहण करेंगे, और टाइम भी काफ़ी हो गया था, काफ़ी आई थिंक 12:30 या 1 हो गया था, तो भूख भी लगने लगी थी, और जब मतलब भोग का इतना अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस अब जल्दी से मतलब आरती करें और भगवान का भोग ग्रहण करें। और गाइस पता नहीं आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं, कोई भी खाना जब हो ना तो अगर वो भोग स्वरूप में होता है तो उसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो वैसे ही इसके साथ भी हुआ था। और मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि पूरा डिसॉल्व हो गया है नहीं, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि वो मिट्टी लेके जाएंगे इसकी, तो उन्होंने देखा तो अब वो मिट्टी निकाल रहे हैं इसमें से, मूर्ति पूरी डिसॉल्व हो गई है, मिट्टी स्वरूप हो गई है, थोड़ी सी मिट्टी उन्होंने ले ली है, और हम इसको जाके वहीं पर जहाँ पर गणपति जी विराजे थे उसी जगह चौक पर चौकी पर रख देंगे, ये देखिए उसी जगह पे रख रहे हैं ये, और अब इसकी हम आरती करेंगे, और आरती तो मैंने शूट नहीं की है और बस इतना ही क्लिप शूट किया है मैंने मतलब इसका। और फिर मैं यहाँ पे आई ना तो जैसे अभी तक वहाँ से मतलब ये डिसॉल्व हो रहे थे और अब बिल्कुल खाली खाली, तो मैंने सोचा चलो इसको एक बार रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बट अच्छा नहीं लग रहा था देख कर कि अभी मूर्ति थी और पूरा पानी ना मतलब जल पूरा सिंपल दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा प्रोसेस। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि मेरा गणपति विसर्जन तो हो गया था, बट जो वो जगह होती है जहाँ पे गणपति जी विराजते हैं वो मैंने भी साफ़ नहीं की थी, मतलब वो जगह हटाई नहीं थी अभी पोल वगैरह जो वहाँ पे थे, तो उसको मैंने अभी हटाया है आज मंडे को, क्योंकि हमारे यहाँ तो फ्राइडे को हटाया मंडे को, तो मैंने फिर फ्राइडे को नहीं हटा पाई और मन भी नहीं कर रहा था ना, बहुत सुंदर सुंदर लग रहा था तो इसलिए आज हटाया है, तो उसकी क्लिप भी मैंने ऐड कर दूँगी मैं अभी, आप देख लीजिएगा। और मिस तो कर रहे हैं उनको, आज पूरी वो जगह खाली हो गई थी, तो बहुत अजीब सा लग रहा है, बट हर चीज़ होनी होती है मतलब हर चीज़ का नियम होता है, तो अब अगले साल बप्पा आएंगे तो इमोशनल फील कर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी, तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल, भूलिएगा मत। ये वो क्लिप है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी अभी, और सब कुछ कितना सोना सोना हो गया है, कुछ दिन पहले यहाँ पर कितना मतलब कितनी रौनक रहती थी सुबह शाम पूजा करना आरती, और ये देखिए पूजा का सब सामान जो बचा हुआ है, भगवान जी की चुनरी जो मैंने भगवान जी को उड़ाई थी, और जो भी कुछ सामान है धूप बत्ती का पैकेट, और ये देखिए लौंग कपूर की जो हम आरती करते थे तो उसमें जो लौंग रहती है उसको हम बाद में खाते हैं प्रसाद स्वरूप, ये वही है, तो अभी हमने इकट्ठा कर रखी है, इसको हम खाएँगे, और जो भी सामान है देखिए आप मतलब ऑलमोस्ट पूरा सामान जो मेरा धूप बत्ती है, माचिस है, घी है, रुई बत्ती है, और पूजा की थाली देखिए, और कलश तो खाली हो गया है, उसका जल पूरे घर में छिड़क देते हैं हम लोग, और वो जो गणपति की तांबे की मूर्ति है उसको हमने अलग कर रखा है, और ये विसर्जन के लिए फूल पान सुपारी जो कुछ भी है नारियल
और टेबल भी कितनी सोनी सोनी है, काफ़ी चहल पहल रौनक थी उस पर कुछ दिन पहले, बट फिर नेक्स्ट ईयर होगी। तो चलिए चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर।